हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें सेशन की, तो 23-24 सेशन रहेगा, मैक्सिमम सीट एंड सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये आपका न्यू नोटिफिकेशन है, नेट का अगर क्वालिफाई नहीं है तब भी आवेदन आप कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो है यूनिवर्सिटी ने पहले से मेंशन की है, 20 अगस्त 2023 को आपका ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये ऑल इंडिया में आपको सेंट्रल एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। सीट एंड सब्जेक्ट्स इसके साथ यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए। तो हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि यहाँ पर ये आपकी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट में इस्टेब्लिश की जाती हैं। इसके लिए अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन सेशन का 23-24 के सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, अबाउट द प्रोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाही के कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे अदर डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपका नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था 21 जुलाई 2023 को इशू हुआ था, लास्ट डेट यहाँ पे जो है वो 14 अगस्त 2023। उससे पहले अपना अप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑल इंडिया रिटर्न इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 अगस्त 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे आपकी ही सिटी में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाए। प्रेजेंटेशन एंड रिसर्च प्रपोजल जो भी है आपका यहाँ पे 27 तारीख को, उसके बाद आपका रिजल्ट 31 तारीख को, और यहाँ पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं 8 सितंबर 2023 से। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्पेशलाइजेशन की, तो ये आपके यहाँ पे टोटल 21 स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की, तो सीट यहाँ पे दोस्तों टोटल आपके यहाँ पे 20 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट की 1 है, शेड्यूल ट्राइब की 1 है, ओबीसी की 3 है, अनरिजर्व कैटेगरी की 5 हैं, और टोटल यहाँ पे ये 10 हैं जो कि ऑल इंडिया की सीट्स हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए यहाँ पे 10 सीट रिजर्व रखी गई हैं। टोटल यहाँ पे 20 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके रिजर्वेशन के बारे में बताया कि कितनी परसेंट सीटें कहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं। और एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया, अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन फॉर्म आप भर पाएंगे। नीचे आएंगे और बात करें अगर आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन के बारे में, तो 3 सालों में मिनिमम और मैक्सिमम 6 सालों में आप PhD कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो पाएंगे। इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे आपके पेपर में 2 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट फर्स्ट जो होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का होगा। सिलेबस ये यहाँ पे लिंक में दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपोनेंट सेकेंड की, तो यहाँ पे आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपनी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट किए हैं, वो यहाँ पे लीगल टेस्ट होगा, आप उसके सिलेबस चेक कर सकते हैं, और वो भी आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% लाने रहेंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे UGC नेट JRF या फिर यहाँ पे स्लेट क्वालिफाई हैं, तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर जाएंगे तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू है, और यहाँ पर अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिएगा, और यहाँ पर PPT प्रेजेंट के माध्यम से आपको इंटरव्यू अपना देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे और कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन यहाँ पे आप अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ और बात करें इसके PhD की फ़ीस के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे PhD की फ़ीस दे दी गई, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये फ़ीस आपको यहाँ पे जब PhD में सिलेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन ही यहाँ पे फ़ीस भी पे करनी है। यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, और 1000 रुपये यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई है। अप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, इस पर आपको पे करना है। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम मोड ऑफ अप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड में अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और यहाँ पे आपको
यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है और इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी को आपको भर के जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप भर दीजिएगा और स्कैन करके और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करके ये आपके यहाँ पे थ्रू ईमेल के माध्यम से यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आपको 3 ईमेल आईडी देखने को मिल जाएंगे जिन पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज सकते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आप यूटीआर वेरिफिकेशन नंबर ये सब यहाँ पे दे दीजिएगा, जो कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले से सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे दोस्तों एक ईमेल आईडी दी गई, इस पे अपना कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ पे दिया गया, इस पे आप क्लिक करके ऑर्डिनेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्मेट की बात करें तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे आप डाउनलोड करके आप भर दीजिएगा जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक आपको नहीं पता ऑफिशियल साइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें आपकी पीएचडी एडमिशन के बारे में तो पीएचडी का जो एडमिशन है वो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे आपका एडमिशन जो है मेंशन किया गया है, इन फोकस में आपका एडमिशन मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेट, एडमिशन और इनटेक, यहाँ पर आपको सब कुछ पॉइंट्स जो है देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये डाउनलोड नोटिफिकेशन है, अप्लाई ऑफलाइन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म 2023, ये आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों लगभग आपके पीएचडी से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल आईडी दी गई है या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।